अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मसल मॉन्स्टर फिटनेस। आज मैं आपको वेव प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास इस टाइम मौजूद है। वेव प्रोटीन बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करता रहा हूं काफ़ी अर्सा, और अभी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये वेव प्रोटीन ज़रूर यूज़ करें। ये मैं कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा, ना इनकी मैं कुछ कर रहा हूं। ये जस्ट मैं आपको अपनी बता रहा हूं कि मैं जो है वो वेव प्रोटीन पहले यूज़ करता रहा हूँ, अब मैं दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में उसकी भी वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। और जो लोग लड़के या जो मतलब पर्सन अभी स्टार्टिंग वाइज अभी जिम लगाना शुरू हुए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपके जब 2-3 मंथ हो जाएं जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते वर्कआउट वगैरह करते हुए, आपने 2-3 मंथ अपनी जो डाइट है वो नेचुरल रखनी है, उसके बाद आपने वे प्रोटीन यूज़ करनी है। वे प्रोटीन बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसे मैं पर्सनली खुद यूज़ करता रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो बंदे को डेली लाइफ में डेली रूटीन में या डेली डाइट के लिहाज से ज़रूरत होते हैं। इसका ये जो पाउच पकड़ा हुआ मेरे पास, ये किलो से थोड़ा सा कम है, 29 सर्विंग इसमें मौजूद है, 907 ग्राम इसमें प्रोटीन है, और ये है चॉकलेट फ्लेवर में, गोल्ड स्टैंडर्ड वे है ये। और ये है इसमें जो कंपोनेंट्स जो हमें मिलते हैं वो हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उसमें फैट है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, थायमीन है इसमें, फॉलिक एसिड है, इसके अलावा बुथीन है, आयरन है, फॉस्फेट है, आयोडीन है, मतलब इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमें रोज़ डेली के जो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। अच्छा, इसमें इसेंशियल जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसमें है टिपिकल इमाइनो एसिड प्रोफाइल, ये मैं आपको बताता चलूँ, इसमें है ट्राइफोटान 405 है, वेलाइन है इसमें, थियोरीन है, अच्छा अमीनो एसिड्स भी इसमें मौजूद हैं, अमीनो एसिड्स EAAs और अमीनो एसिड CAAs और एसिड NAAs, इसमें मतलब वो तमाम एसिड की 3 कैटेगरीज मौजूद हैं जो आम एक नॉर्मल प्रोटीन में आपको नहीं मिलती। अच्छा, और अच्छा ये आपके ये इस पे लिखा हुआ है कि फॉर मसल सपोर्ट एज रिकवरी, ये आपके मसल को रिकवर करने में जो वर्कआउट के दौरान जो मसल डैमेज हो जाता है आपका, उसको ये रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। 24 ग्राम इस प्रोटीन मौजूद है, हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन मसल, और ये आपके मसल को बिल्ड करने में और मेंटेन रखने में मदद देता है, यानी कि जब मसल ग्रो होता है उसको ग्रो ही रखने में मदद करता है। यानी कि नॉर्मली तो ये होता है कि हम वर्कआउट करते हैं तो मसल बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है, फिर उसके बाद जब घर जाते हैं तो वो या जब थोड़ा ठंडा होता है तो वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है। ये जब आप यूज़ करेंगे तो ये उस मसल को ग्रो ही रखेगा, उसको वापस सिकुड़ने नहीं देगा। अच्छा, और ये अप्रूव्ड शुद है और बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट है, और अभी मैं दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसका भी मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगा। और 2 LBS इसका जो है वो है, इसमें 29 सर्विंग्स मौजूद हैं, और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसे लें, ठीक है, आप इसे लें, अपनी एक्सरसाइज डेली रखें और आपको देखें कि किस तरह आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी है और इसके साथ साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके, तो और भी काफ़ी मतलब प्रोडक्ट्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन ये उन पर्सन्स के लिए है जो वीक हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीक पर्सन्स के लिए, फैटी हज़रात ने ये नहीं लेने, फैटी हज़रात के लिए जो मैं प्रोडक्ट लाऊंगा वो फिर उसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो कितने अरसे में कितना मतलब वो वज़न कम करते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है, वो आपको किस तरह लेनी चाहिए। और ये आपने जो लेनी है प्रोटीन, ये आपने सबसे पहले आपने चाहे सुबह वर्कआउट करते हैं आप चाहे शाम को करते हैं, आपने वर्कआउट के बाद आपने वर्कआउट के बाद 10-15 मिनट बाद आपने इसको प्रोटीन को लेना है। आप इसको
एक गिलास में जो है वो एक एक से दो स्पून डाल के आप इसको अच्छी तरह से शेक करके आप इसे पी सकते हैं। फिर इसके देन आपने जो है वो अपनी खाने पीने के लिहाज से जो भी आपकी डाइट है वो आप रखें, और कोशिश करें कि एक टाइम का भी खाना आपका स्किप ना हो, और हेल्दी खाएं, चिकन खाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें, फैटी फैटी चीज़ें खाएंगे तो ही जो है वो आपका मसल जल्दी से बिल्ट होगा। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आई थी तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।